रोज हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई चीज बड़ी होती है। हमारे मुल्क का बजट लगता है हर दूसरे दिन आ जाता है। कल फिर 22 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है। नहीं भाई, हमारे प्राइस क्या बढ़ने हैं, जो पिछले साल रेट था उससे भी नीचे रेट आ गया हमारा। तो हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो हम आपको सिलाई के पैसे कहाँ से दें? खाने के पैसे नहीं तो वो इन चीज़ों पर कहाँ खर्चा करेंगे? मालिक ने कहा जी डायरेक्ट 20,000 रुपये रेंट करें, अगर नहीं तो दुकान खाली कर दें। जब वो 150 रुपये पेट्रोल देता था तो उनको तकलीफ होती थी कि आवाम कहाँ जाए, गरीब आवाम क्या करे। आज 272 रुपये पेट्रोल हो गया तो आज कोई मीडिया नहीं बोलता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ कामरान के साथ, ये मेरे फ्रेंड भी है और इनकी शॉप है इधर टेलरिंग की, जेंट्स टेलरिंग की शॉप है। मैं इधर से गुजरा था, मैंने कहा ये हमारे कप्तान है और मैं वाइस कप्तान हूं। मैंने कहा आज इनका इंटरव्यू करते हैं। अच्छा कामरान भाई, सबसे पहले तो आपके काम के हालात, उसके बाद जो महंगाई हो रही है भाई, काम उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है आपके सामने है, रोज़ बर रोज़ हमारी गवर्नमेंट महंगाई बढ़ करी जा रही करी जा रही करी जा रही। गरीब आदमी जो निचले तबका है वो तो बिल्कुल मर गया, जो मिडिल क्लास तबका है वो भी बहुत मुश्किल से कसमपुरी में ज़िंदगी गुजार रहा है। रोज़ हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई चीज़ बड़ी होती है। हमारे मुल्क का बजट लगता है हर दूसरे दिन आ जाता है। बजट नहीं हो गया ये तो अजीब मुसीबत पड़ गई है आवाम पर। कल फिर 22 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, पहले ही पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ था। पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ पर रेट बढ़ जाता है, आवाम कहाँ जाए, मिडिल क्लास तबका कहाँ जाए, किसके आगे रोए? सफ़ेद पोश तबका कुछ कर नहीं सकता। कारोबारी हालात दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, चोरी डकैतियाँ कर रहे हैं, क्या करे आवाम? उसका कोई हल बताए आवाम के कि आवाम ये इस तरफ जाए कि इंसान अपना गुजारा कर सके घर का इज्जत के साथ। कानून भाई, आपका काम में क्या तब्दीली आई है जो हालात? ये हमारे काम के अंदर, हमारा ये काम जो है ये 12 महीने होता था, हमारा ये काम 12 महीने होता था। बिलखसूस इन दिनों में हमारे पास काम की का टाइम नहीं रहता, हम बुकिंग बंद कर देते थे। लेकिन आज ये हालात हैं कि हम फारिग बैठे हुए, एक या दो पीस आ जाए, तीन पीस आ जाए, वो गिनती में नहीं आता। अपना गुजर मुसर करना बहुत मुश्किल है। हमारा सामान इतना एक्सपेंसिव हो गया कि हम आपको बता नहीं सकते। कस्टमर ना खर्चा करता ना पैसे देता, वो पुरानी रेट पर बात करता है कि जी ये पुराना जो रेट है उस पर ही चले। आप मजबूरी है कि अब क्या करें, काम भी करना है तो प्रॉफिट दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब क्या करें, काम करना तो है, दुनिया के साथ तो चलना है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और मज़ीद ख़राब होने इस मुल्क के हालात जो हमारी गवर्नमेंट का पॉलिसियाँ हैं। अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क को बेहतर करे और इनके हालात बेहतर करें, हमारी तो यही दुआ है और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जो पिछले साल था जी, यानी कि 9-10 महीने पहले जो हालात थे जी, लाइक पेट्रोल 150 का था, डॉलर 170-178 पे था, उसके मुताबिक आपके भी जो आप प्राइस बढ़े हैं, आपकी प्राइस बढ़े हैं? नहीं भाई, हमारे प्राइस क्या बढ़ने हैं, जो पिछले साल रेट था उससे भी नीचे रेट आ गया हमारा। तो ग्राहक कहता है पैसा ही नहीं है हमारे पास, जहर खाने के पैसे नहीं है तो हम आपको सिलाई के पैसे कहाँ से दें? जो आता है वो पिछले रेट से भी नीचे की तरफ आता है, अब हम क्या करें बताएं? वो तो कहता है पिछले साल वो हमें 1000 रुपये सिलाई देता था, वो कहता है जी अब 800 रुपये कर लें। हालांकि आप देखें 10 महीने के अंदर तकरीबन कम हो गई, हर चीज़ डबल हो गई है। जो 150 रुपये पेट्रोल था वो आज तकरीबन 272-300 के करीब पहुंच गया है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, हर चीज़ आप दालें सब्ज़ियाँ गोश्त किसी चीज़ को भी उठा के देख लें तकरीबन वो डबल हो गई है। लेकिन आवाम के पास पैसा नहीं है, वो खाने के पैसे नहीं तो वो इन चीज़ों पर कहाँ खर्चा करेंगे, क्या करें आवाम? आप खुद बता सकते हैं। आपकी दुकान का रेंट क्या है? मेरी दुकान का रेंट जो था वो भाई 10,000 रुपये रेंट था पिछले साल। मालिक ने कहा जी डायरेक्ट 20,000 रुपये रेंट करें, अगर नहीं तो दुकान खाली कर दें। अच्छा, तो मजबूरन हम पुराने बैठे हुए, उनकी रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे साथ कोई कॉपरेट करें, तो वो अच्छे बंदे हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत आपसे रियायत कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं जी महंगाई के हिसाब से हमने भी दुकान का रेंट बढ़ाना है। और अब वो 10% के हिसाब से नहीं बढ़ाते, वो कहते हैं जो महंगाई की रेशियो है उसके हिसाब से हमने रेंट बढ़ाना है। आप देखें इस पूरे इलाके में पहले दुकानें मिलती नहीं थी लोगों को, लोग ढूंढते थे, आज एक एक रोड के पास 20-20 दुकानें करने वाला कोई नहीं, हर दुकान पर रेंट के लिए खाली है दुकान, लेकिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है माल डालने की या कोई कारोबार करने की, तो सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। आवाम परेशान है, कोई एक महीने के लिए दुकान खोलता है दूसरे महीने खाली कर देता है, क्योंकि कारोबार ही नहीं, काम ही नहीं, वो क्या करे बेचारा। तो मसला ये है कि जो पुराने बैठे हैं वो मजबूरन, जिन्होंने जो काम सीखा हुआ जो कर रहे हैं वो मजबूरन काम कर रहे हैं, अदरवाइज नया बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता इसे। अभी कल का जो बजट आया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? हम क्या कह सकते हैं, जो कल का बजट आया, आवाम आवाम हम समेत हर आवाम डिस्टर्ब है और मजीद बोझ डल रहा है आवाम के ऊपर, मजीद बोझ डल रहा है, जो निचला तबका है वो मजीद पिस रहा है। और अब हालात आपके सामने, चोरी डकैतियाँ सब कुछ होनी है, जो गरीब आदमी है खुदकुशियाँ करेगा, कारोबार है नहीं, नौकरियाँ हैं नहीं, आवाम किधर जाए? जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जिन लोगों के पास, वो इस मुल्क को छोड़ के बाहर चले गए, जो बेचारे मिडिल क्लास हैं वो यही धक्के खा रहे हैं भाई, क्या करें? आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम के लिए?
आखिरी पैगाम तो यही देना चाहेंगे, हमारी तो ख्वाहिश है कि जी इलेक्शन टाइम से हो और हमारी पुरानी हुकूमत आ जाए PTI, जो इस मुल्क के लिए भी मुखलिस है और आवाम के लिए भी मुखलिस है, जिसने हर चीज़ की, जिसने हेल्थ कार्ड बनाया, जिसने लोगों के लिए खाने के लिए खोले दस्तरखान और भी बहुत सी सहूलत दी, शौकत खाना में उसने इलाज जितना हो सकता है फ्री कराया, इन गवर्नमेंट ने क्या काम किया है सिवाय महंगाई करने के और महंगाई करने के और महंगाई करने के, और सारे चैनलों को ख़रीद लिया कि कोई महंगाई के ख़िलाफ़ ना बोले। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सारी गवर्नमेंट बोलती थी आटा चोर, चीनी चोर, आटा चोर, चोर, आज उनकी आवाज़ नहीं निकलती। जब वो 150 रुपये पेट्रोल देता था तो उनको तकलीफ़ होती थी कि आवाम कहाँ जाए, गरीब आवाम क्या करे। आज 272 रुपये पेट्रोल हो गया तो आज कोई मीडिया नहीं बोलता कि भाई 272 रुपये पेट्रोल बंदा कहाँ से डलवाए, जो रोज़ कमाने वाला है वो क्या करे। अब आप ख़ुद बताएं मैं आगे क्या कह सकता हूँ, बस यही कह सकते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे हालात अच्छे करे और हमारी गवर्नमेंट को कुछ अकल आए कि वो गरीबों का ख्याल करे कि गरीब ज़िंदगी कैसे गुजारे। अवाम को बाहर निकलना चाहिए, अवाम को ज़रूर बाहर निकलना चाहिए, जब कारोबार नहीं है तो अवाम को सबको मुझ समेत बाहर निकलना चाहिए, हम इसके हक़ में। हम चाहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट, हमारी अवाम बाहर निकले और हमारे मसले और मसाइल जो हैं वो अवाम के, वो गवर्नमेंट सुने और उसको हल करे। आज हर बंदा परेशान हो गया इनकी महंगाई की वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से, क्या करें, किसको कहें जाके, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अस्पताल चले जाएँ वहाँ कोई सुनाई नहीं है, आप डॉक्टर के पास, आप अदालत चले जाएँ, आप थाने चले जाएँ, आपकी कोई चोरी डकैती होती है आप खौफ से जाके कंप्लेंट नहीं कराते कि वो उनसे बड़े चोर हैं, क्या कहेंगे हम, किसके पास जाके फरियाद करें, अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आवाम को चाहिए कि सारी बाहर निकले और इनके महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें ताकि हमारे मुल्क में कुछ महंगाई कम हो, शायद कुछ इन पर हम पे तरस आ जाए गरीब आवाम पर। बस यही मेरा पैगाम है। ये है जी कामरान भाई, मैं इनकी शॉप पर आया था, मैंने कहा इनका इंटरव्यू करें, हर कोई परेशान है इस टाइम, इनका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है सबका, जो आपके तक आप तक पहुँचाता हूँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।